गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? तो हम नहा धो के हो गए हैं, एकदम से रेडी, और अब घूमने जाएंगे, तो ये बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो आज संडे है तो हमने सोचा हमारी श्रीमती को घुमाने चलें। तो गाइस, आज हमारी श्रीमती देखो, हमने ब्लैक ब्लैक कॉम्बिनेशन एक जैसे पहने, मैचिंग, और हम ये हमेशा पहनते हैं, और लेकिन फिर भी इनको आज आप बताइए, कमेंट करके और शेयर करके लाइक करके बताइए, और ये कैसी लग रही है आज, प्लीज। और हमें अगली बार क्या दिखाना है वो भी कमेंट में लिख के जरूर बताएं, कहाँ जाएं हम। ओके, मिलते हैं आपको बाद में। तो गाड़ी पहले पेट्रोल गला लेते हैं मोटरसाइकिल में, फिर चलेंगे। तो गाइस, जो हमारी ये पीछे है, जो ये महाराजा गंगा सिंह जी का विश्वविद्यालय है, जो बीकानेर में स्थापित है, और ये काफ़ी विद्यार्थी हैं और काफ़ी बहुत ही बड़ा विद्यालय है। तो आज छुट्टी है तो हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए बता नहीं पाते, लेकिन आपको ये दृश्य दिखाते थे। ये काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बीकानेर का। तो इसमें पानी कम है कि बारिश बहुत कम हुई थी, और इसको छोटी नाड़ बोलते हैं, बड़ी नाड़ पीछे रह गई और इसको छोटी नाड़ बोलते हैं। जब बारिश आ जाती होगी तो शायद यहाँ तक भर जाता होगा, कभी ना कभी तो भरा ही है ना, अभी तो थोड़ा सा पानी है, और मंदिर भी है देखो छोटा सा। बैठने की भी जगह सुविधा देखो दे रखी है। चलो अभी चलते हैं। मार तो दे, मतलब मुंडा हेलमेट मारो। तो हेलमेट तो मोटरसाइकिल चलाओगे तो हेलमेट तो लगाना पड़ेगा। सही आदत तो है, हेलमेट लगाए बिना गाड़ी नहीं चला सकते। ये कोडम, तो ये देखिए गाइस, मेन गेट आ गया है रुचिका मंदिर का, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ चलते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, और गोरती के देखो कितने अच्छे अच्छे बोर हैं लगे हुए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मेरे खा ही नहीं रहे, तो ये कहते हैं क्या गांव की तरह लग गई खाने, तो मेरे को तो अच्छे लगते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं गाइस मंदिर में, वहाँ पे है एंट्री गेट, तो अभी हम प्रसाद ले रहे हैं, तो यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। तो प्रसाद मिलती है, लड्डू लो, निमरती लो, ये वाइट वाले पेड़े लो, तेल मोली सब मिलता है यहाँ पे मंदिर में चढ़ाने के लिए। निमरती ले रहे हैं प्रसाद में, तो प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान को। गए हैं हम गाइस मंदिर में, अभी दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। बहुत भीड़ होती है, बहुत ही पुराना मंदिर है देवी जी का। देखिए बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, अच्छे रहते।
तो ये बिरजू का मंदिर है और काफी बहुत ही पुराना मंदिर है और लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर पैदल भी आते हैं, गाड़ियों पर आते हैं और मदिरा और मिठाई आदि भी चढ़ाई जाती है यहाँ पर। तो ये मंजू भी प्रसाद चढ़ा रही है और जो मन्नत पूरी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है भैरव बाबा के यहाँ पर। महाराज ये रहा भाई, इस तरह से बिरजू का मुख भरा जाता है प्रसाद से और ये पंडित जी निकाल कर जो आते हैं भगत उनको दे देते हैं। भाई साहब थोड़ा दूर जो नजदीक में आ बोल और बताओ तुम था फड़ी मरा आज हम तो कौन हो कौन बताओ सरे हैं साइन तो जो भाई साहब साइन तो कौन बताओ पहले काटी लाग लो आज ले जाना हां को भाई लाभ से चावल भाई ये बहुत खराब है कौन बोल रहा है से हैं साइन तो जो जो ऐसे ये हो रहा है ना तो कह रहे हैं कि बाबा बूढ़ा हो रहा है इसलिए ऐसे अगरबत्ती कर रहे तो इसके भैरव बाबा के मंदिर के बिल्कुल बगल में पीछे ये तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। फेरी लगाई जा रही है, हमने प्रसाद चढ़ा दिए, हम नीचे उतरेंगे। भैरव बाबा की बहुत भीड़ है यहाँ, हर रविवार को भैरव बाबा की बहुत काफी भीड़ होती है और काफी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर भी चढ़ाते हैं और हर तरह का इनका भोग चढ़ता है। तो ये दो हमने फेरी काट ली है, चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, ये दूल्हा दुल्हन सबकी गठ जोड़े की भी धोख लगती है यहाँ पे और बच्चों के बाल भी उतरते हैं यहाँ पे। चलो दर्शन कर लिए हमने, पे नारियल पदार के दे देते हैं। ये मंदिर के पास में ही कितने सारे इस तरह से यहाँ मान्यता है यहाँ की और रोन के अंदर जो भी कोई भी ऐसी बीमारी होती है तो यहाँ रोना को भी इसमें पर आत्मा भी हो सकती है। तो यहाँ के लोग ज़्यादा भगवान के आगे धोख दे रहे हैं यहाँ काफ़ी और इस तरह से इनकी जो भी इनमें जो भी
परत आत्मा आई हुई है, तो इनका ये दर्शन किए जा रहे हैं और इनका कोई भी भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे और इनको सबको मुक्ति दे। दाना डालते हैं, तो हम द्वार आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के दोनों जने, और हमें बहुत ही एक लव की तरह हम आते हैं, और हमें बहुत घूमना बहुत पसंद है, और मुझे इसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। और मच्छी दाना ले ले। तो ये मंच यहाँ के जो मंदिर के अंदर, जो तालाब के अंदर मच्छियाँ काफ़ी है, तो लोग यहाँ पर मच्छी दाना बेचते हैं और हम इनसे मच्छी दाना लेकर खरीद के मच्छियों को खिलाने वाले हैं। ये देखिए गाइस, 10 रुपये का इतना छोटा सा डब्बा देते हैं, इनसे मच्छियों का पेट भरा जाता है, सभी भक्त यहाँ चढ़ाते हैं मच्छियों में। इधर तो इस तरह से हमने मच्छियों का दाना ले लिया है और हम उनको भोजन कराने के लिए जा रहे हैं। यहाँ के लोग काफ़ी आते हैं, मच्छियों का दाना नाखते हैं, और इस तरह से बहुत ही पुण्य धर्म माना जाता है, जो समुद्री जो जीव है उनको खिलाने के लिए हम दे देते हैं। चलो आपको मच्छी दिखाते हैं, नीचे हैं इस तालाब में है मच्छी, तो अभी नीचे जा रहे हैं। तो ये देखिए काफी दूर में के हैं, पर मच्छियां कहाँ गई, यहाँ तो बहुत सारी रहती हैं, हैं? खत्म हो गई नहीं? ये बिस्किट लेवन बिल्कुल बोरस। समय तो कहीं मच्छी दिख नहीं रही, पर हम तो ऐसे डाल रहे हैं दाना, पर ये काफ़ी देखिए गंदगी फैली पड़ी है, उनमें ये टोस्ट डाले हुए हैं, बिस्किट डाले हुए हैं काफ़ी, पर हमें तो कोई मच्छी नज़र नहीं आ रही। रोटी बिस्किट ब्रेड सब डाला हुआ है, पर मेरे को तो मच्छी एक भी नहीं दिख रही, नहीं तो थोड़ा सा दाना डालते ही बहुत सारी मच्छी बाहर निकल के आ जाती है। ये देखिए कैसे ब्रेड फेंक रहे हैं, पर एक भी नहीं है। चलिए गाइस, हमें तो मच्छी दिखी नहीं, पिछली बार आए थे ना तो बहुत सारी मच्छी, तो पिछली बार काफी मच्छी थी और हमने मच्छियों को दाना भी डाला था, इस बार तो ये कुछ ऐसी चीजें डाल देते कभी मच्छी मर भी जाती हैं। और समुद्र के अंदर दान पूर्ण करने के लिए पहले सोच समझ के जो भी दाना है वो डालना चाहिए, ताकि जीव को किसी को नुकसान नहीं हुए और इस तरह से कोई भी जीव अंदर से ख़त्म नहीं हो जाए। इसलिए ये जो गंदगी फैली हुई इसके कारण ये थोड़ा सा अनशन चीज़ें नाकी हुई है, ब्रेड ये मच्छी खाती भी नहीं, लेकिन मच्छी को इस पर दाना जरूर नाकना चाहिए, इस तरह से ये गंद नहीं फैलानी चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसीलिए तो गाइस सोच समझ के जो भी चीज़ नाकनी चाहिए। एक भी नहीं है मच्छी, नहीं तो इतनी देर में तो सैकड़ों आ जाती है यहाँ पे। कहते हैं भैरू बाबा के घर पर नहीं जाती है, जहाँ पर चढ़ाई जाती है वहीं प्रसाद खाई जाती है। तो एक दो इमरती हमारे पास बची और एक कचौरी, तो एक मंजू खाएगी इमरती और एक मैं खाऊंगा, यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। जय भैरू बाबा, जय भैरू बाबा की प्रसाद है गाइस, पर ये कहते हैं घर पे नहीं ले जा सकते, यहीं की यहीं खानी पड़ती है, तो हम यहीं खा रहे हैं, कुछ बचेगी तो ये देखिए। तो नहीं खाई, ये देखिए बड़ी बड़ी ध्वजाएं यहाँ पे रखी हुई हैं और बहुत दूर दूर तक यहाँ पे ध्वजा चढ़ाने के लिए आते हैं, और बहुत लंबी ध्वजा है ये, पैदल लेके आते हैं, पैदल दो दो तीन तीन आदमी लगे रहते हैं तब यहाँ तक पहुँचती है ये, तो बहुत लंबी है वहाँ से लेके और यहाँ तक आई हुई है ये, बहुत लंबी ध्वजा है। और हमने प्रसाद भी खा लिया है और बहुत अच्छा लगा, लेके आए मेरे को, थैंक यू इनका, नहीं तो कहाँ आ पाती मैं। ये लेके आए हैं गाइस चला के मेरे को, चलते हैं भैरू जी के मंदिर में, वो चलो चलते हैं, तो प्रसाद खा लिए, अच्छे से हमारे दर्शन हो गए, चलो अभी चलेंगे। तो हम घूम फिर के आ गए हैं, मंदिर गए थे गाइस और हम आ गए हैं, तो अब हो गई है ठंड, तो इनको थोड़ी सी चाय पिलाऊंगी गर्मा गर्म। और गाइस मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आपको, तो ज़रूर लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी आज लगातार मेरे जो वीडियो बन रहे हैं वो सिर्फ इनके लिए
लाइक और कमेंट इनके लिए जरूर करना, क्योंकि यही लेके जा रहे हैं मेरे को 2 दिन से। मजा आ रहा है, छुट्टी का पूरा आनंद आ गया। फटाफट घर का काम करो सुबह सुबह, और दो पैर में घुमाने ले जाते हैं। तो अभी आए हैं तो अभी बना रहे हम गर्मा गर्म चाय, और इनको अभी मैं चाय पिलाऊंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना गाइस। और अभी मैं इनको पिला रही हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इतनी दूर लेके गए थे मेरे को, और सर्दी भी हो गई है।